जय श्री कृष्णा। नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम दीपावली स्पेशल आटे के शक्करपारे, और आटे के शक्करपारे बनाएंगे हम हलवाई स्टाइल खस्ता और क्रंची। इस तरीके से बनाओगे तो आप मैदे के शक्करपारे भी भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आपके आटे के शक्करपारे। एक खास बात, साथ में बनाएंगे हम बेसन की चपरी पापड़ी और एकदम खस्ता और क्रंची बनेगी। चलो बनाते हैं आटे की शक्करपारा और बेसन की चपरी पापड़ी। शक्करपारा बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं या 1 कटोरी आटा 1 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हम आटा से बनाने वाले हैं। आटे को हम छान लेंगे। आटा हमने छान लिया है, ये हमने ग्राइंडर जार लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी आपके हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। अब डालेंगे हम शक्कर पारे में खस्ता बनाने के लिए 4 चम्मच सूजी, बड़े वाले चम्मच लिए हैं, और कटोरी से हमने आधी कटोरी सूजी ली है, ये आधी कटोरी सूजी है। अब डाल देंगे हम सूजी को भी और इसे हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने सूजी और चीनी का पाउडर बना लिया है। अब इसे हमें डाल देंगे इसमें। अब डालेंगे हम इसमें इलायची दरदरी से कुटी हुई। सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो डालेंगे अब हम घी मोन के लिए, थोड़ा घी डाल के मिलाएंगे, फिर थोड़ा कम लगेगा तो हम वापस से डाल देंगे। हमें और डालना है घी, अभी इसकी मुट्ठी नहीं बनने लगी है। वापस से मिलाएंगे। अब हम बना के देखेंगे मुट्ठी। ये देखिए हमारी मुट्ठी बनने लग गई है। वैसे हमें इस तरीके का चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट सा डो लगाना है। ज्यादा नहीं डालना हमें, साथ में थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ में नहीं डालना। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट सा डो लगा लिया है। इस तरीके का चाहिए हमें टाइट। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। इसको रेस्ट के लिए रख देंगे और हम करेंगे आगे की तैयारी। बेसन की मठरी बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी बेसन लिया है। इससे आप चपरी पापड़ी भी बोल सकते हैं या मठरी भी बोल सकते हैं। तो इसे हम छान लेंगे। बेसन हमने छान लिया। अब डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, साथ में डालेंगे हम हींग और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चपरी पापड़ियों में। और थोड़ी हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, आपके हिसाब से कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे, ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ 1 चम्मच घी डालना है। थोड़ा पानी डाल के इसका भी हम टाइट सा डो लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है बेसन में पानी, थोड़ा ही डालना है, टाइट सा लगाना है हमें आटा। ये देखिए हमने इसका टाइट सा डो लगा लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे, ज़्यादा नहीं मसलना है, और इसके हम लोई बना लेंगे इस तरीके से 3 भागों में बना लेंगे हम। ये देखिए इसके हमने ये लोई बना लिए। अब इसे हम बेल लेंगे, हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे इसे। ये देखिए हमने बेल लिए और इसके किनारे में ये इस तरीके से कर देंगे।
आपको जितना मोटा चाहिए उतना रख सकते हैं। इसमें हम कट लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। आपको जितना बड़ा पीस चाहिए, आप जैसा डिजाइन में करने चाहते हो जैसा डिजाइन में आप कट लगा सकते हैं, गोल चौकुट या फिर आपको मनपसंद डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। ये देखिए हमने कट लगा लिया, अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरीके का रखना है, ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी, यानी बारीक भी नहीं है, इस तरीके का हमें रखना है। जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये हमने दूसरे नंबर की भी लोई ले लिया, इसे भी हम इस तरीके से बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से, और इसके किनारों को हटा देंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगा लेंगे, सारे शक्कर पारे हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने सारे शक्कर पारे बना लिए हैं। अब चेक करते हैं हम जो हमने मठरी का आटा लगा के रखे थे चपड़ी पपड़ी का। ये देखिए इसको भी 10 मिनट हो चुकी है और ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम लोई बनाएंगे छोटी छोटी। ये देखिए लोई बना लिए हमने, अब इसे हम बेल लेंगे। आपको जितनी बड़ी बनानी है आपकी मठरी यानी चपड़ी पपड़ी, तो उतनी बड़ी आप लोई ले सकते हैं। तो मैं दो तरीका बताने वाली हूँ आपको मठरी बनाने का। तो इसमें हम चक्कू की सहायता से इसमें छेद कर देंगे, यानी ये फूलेगी नहीं, दोनों साइड से कर देंगे। दूसरा तरीका है, हमें बड़ी लोई लेके इसे बेलना है, रोटी की साइज में बेल लेंगे। ये देखिए हमने ये हमारे आटे की शक्कर पारा और बेसन की चपरी पापड़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए हमारे शक्कर पारा कितना खस्ता बने हैं। और इस दीपावली जरूर से बनाकर देखना आटे की शक्कर पारा, खाने में टेस्टी और हेल्दी रहते हैं। ये देखिए आप इसकी लेयर समझ कर ही, इसकी लेयर देखकर समझ गए होगे ना कितने खस्ते बने इस तरीके की लेयर। मैं एक शक्कर पारे तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता बन के तैयार हुए। ये देखिए खस्ता और क्रंची। तो इस दीपावली जरूर से बनाकर देखना आटे के शक्कर पारा, बिल्कुल मार्केट जैसे हलवा स्टाइल बन के तैयार होंगे और आपके मेहमान पहचान नहीं पाएंगे आपने आटा से बनाए हैं, कोई बता ही नहीं पाएंगे ये आटे से बनाए हैं। और ये देखिए हमारे बेसन की चपरी पापड़ी कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए आवाज में पता चल गया होगा ना कितनी खस्ता और क्रंची बनी है हमारी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बनाओगे तो आपकी चपरी पापड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी, क्रंची कुरकुरी। तो फ्रेंड इस दीपावली आप जरूर से बनाकर देखना ये आटे की शक्कर पारा। इस तरीके से बनाओगे तो आप मैदे के शक्कर पारा भी भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपके आटे के शक्कर पारा। तो फ्रेंड आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको, शक्कर पारा और चपरी बेसन की चपरी पापड़ी की और आटे की शक्कर पारा की, तो कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। और एक बार ज़रूर से ट्राई करना बनाना इस दीपावली आटे के खस्ता शक्कर पारा और क्रंची, और मुझे कमेंट करके बताना।
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।